तो ये भी लिमिट का काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए माइनस रूट शूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स बार 4। ए पॉजिटिव है और वो जो एल क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, दे रखा है अपने को लिमिट जो है फाइनाइट नंबर है। तो ए और अपने को ए बी सी डी में से बताना है, यानी कि कुल मिला के छोटू ए और कैपिटल ए का वैल्यू बताना है। जो रूट देख के क्या थॉट आता है रैशनलाइजेशन का, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, रैशनलाइजेशन और बाइनरी दोनों बता देता हूँ। एल ऑपिटल में तो बेटे टाइम लग जाएगा क्योंकि एक्स बार 4 दे रखा है ना, 4 बार एल ऑपिटल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, 0 बन रहा है क्या? हाँ, 0/0 है। तो मैं क्या करता, रैशनलाइजेशन जो ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये तो आपका रैशनल पार्ट, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वो इरेशनल पार्ट है। तो पता ही है अपने को, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा है ना, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया बच्चों, भी नीचे दिख जाएगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस रूट था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर अपने को ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और अंडर रूट ए स्क्वायर, बच्चों ये वाली लिमिट अपने को 2 आती हुई दिख गई। ठीक है, सेकेंड जो ए स्क्वायर कट जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, जो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट देखते हैं यहाँ से बना रहा है जो 2 × a × 1/4, तो -a/2 आ जाएगा, दिख रहा है। और वो जो एक्स ई पार 4 का कोफिशियंट कितना आएगा, एक्स ई पार 4/16 दिख गया। ठीक है, ऐसा आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय एक्स ई पार 4। और जो यहाँ पर जो लिमिट है a+a2 है, वो अभी लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में उसका कोई रोल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अच्छा बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग ऊपर नीचे बाय 1 − a/2 ऊपर आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बच्चों 2 है। तो मैं कह रहा था बच्चों, न्यूमरेटर पार्ट किसको टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पार्ट इज टेंडिंग टू 1 − a/2 एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज टेंडिंग टू व्हाट, 0 है ना। तो बच्चों मान लो न्यूमरेटर इसको टेंड कर रहा है, मान लो ऊपर लिखा है नॉन जीरो, नीचे आपका कर रहा है टेंडिंग टू 0, तो लिमिट कितना आ जाएगा, इन्फाइनाइट, करेक्ट। तो लिमिट इन्फाइनाइट आ जाएगा बच्चों, तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर 0 ही जाना पड़ेगा तभी वैल्यू फाइनाइट आ रही होगी। तो इसका मतलब 1 − a/2 0, बच्चों ए 2 आता हुआ दिख गया, आगरा इज इक्वल टू 2, मेरा फोटो आ रहा है बीच में। अगले पन्ने पर चलते हैं, ए 2 आ गया है, तो बच्चों आपका आंसर ये बॉम्बे गलत हो गया, आगरा सही है। अच्छा, यहाँ पर अपन इसको साफ कर देते हैं और फर्दर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये देख सकते हो ना मेरी फोटो बीच में तो नहीं आ रही। हाँ, एक्स और काट दिया, कितना रहा है, 1/16 × 2 है। ये बच्चों आपका लिमिट का वैल्यू, बच्चों ए 2 के लिए कितना जाएगा, 16 × 4 = 64 है ना, 1/64। बच्चों कलकत्ता आंसर दिख गया क्या, कलकत्ता आंसर दिख गया, दिल्ली ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, मैं कह रहा था एक और मेथड बता देता हूँ आपको, मेथड क्या, बाइनोमियल। बच्चों बाइनोमियल कहाँ लगाएंगे, यहीं रूट शूट में लगाएंगे, रूट से अपन ने क्या किया, 1 कुछ करके कॉमन लेना होगा, 1 कुछ लाना होगा, यहाँ पर ए ले लेते हैं, ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 − x² / a² करेक्ट। ठीक है, ऐसा आ गया, न्यूमरेटर ही खेलते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर खेलते हैं, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ए माइनस एक्स स्क्वायर 4, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, ठीक, मुझे लगा दो बाइनोमियल। बाइनोमियल लगाया बच्चों, 1 − थोड़ा छोटा कर दिया ब्रैकेट, बड़ा कर ले बबुआ, जगह कम पड़ जाएगी, टू बच्चों 1 − nx 1 − nx एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 − nx है ना, 1 और प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर कितना जाए, एक्स ई पार 4 बाय ए की पार 4 है ना। ठीक है, ये आएगा एन डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें क्या पावर पॉइंट है, वो सीधी रेखा बनती नहीं है एक्चुअली, खैर बनानी भी नहीं थी, नीचे वाला तो बाद में देखेंगे, नीचे वाला एक्स ही बार 4 ही था, करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन सामने रहता है तो वो जो आगरा आगरा कटते हुए दिख गया,
ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो आप, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना रहा है, -1/4। आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, समझदार हो तुम लोग, है ना, क्योंकि एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों कितना आ रहा था, ये -1/4 और ये कितना आएगा, ए ए कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और बच्चों एक्स की पावर 4 का तो यहीं से कोफिशियंट आ रहा है, वो देख लेते हैं, एक्स की पावर 4 बच्चों माइनस, और ये माइनस से बाहर है वो कट जाएगा, 2 2 2 2, तो प्लस आ जाएगा बच्चों 1/8, और ए क्यूब आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन है पे, तो क्या है वो कॉलेज और यू नो आईआईटी के टाइम पे जैसे पढ़ाई करता था उसी टाइम की आदत पड़ी हुई है। तो एक्स की पावर 4, ठीक है भाई, बाकी सो जो भी है सो है। अब बच्चों वही फंडा कि न्यूमरेटर में आपका एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर आपका टेंड करेगा, तो ये क्वांटाटा जो है, इस क्वांटाटा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, और क्वांटाटा 0 कर दिया तो ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए 2 आ गया, फिर ये क्वांटाटा साफ हो जाएगा, फिर ये क्वांटाटा एक दूसरे से कट जाएगा, फिर जो बचा हुआ क्वांटाटा है वो आपका लिमिट आ जाएगा 1/8a³, और 8a³ जो ए ए ए ए ए 2 है तो 8 8 8 64 आ जाएगा, 1/64। ठीक है, ये आपका आंसर, इस तरह से आपका 8 2 और 1/64 आ जाएगा। एल ऑपिटल में टाइम लग जाएगा एक्चुअली, पर मेरे ख्याल से क्या एल ऑपिटल में क्या होगा कि आपका ना, जैसे आप एक बार एल ऑपिटल लगाओगे तो शायद कुछ और कट पिट जाए, फिर बाइनोमियल शाइनोमियल लग जाए, हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक है, पर ठीक है, अब बहुत बहुत हो गया है ना।